खा रहे हैं। हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज्यादती फतेहपुर जनपद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही चलने वाले। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना कि सताए हुए ये अत्याचारी लोगों ने हमको फंसाने का काम किया और षड्यंत्र रचा, क्योंकि मैं न अपराधी हूं न गलत काम करता हूं, ये दुनिया जानती है। सच काम के लिए आपके साथ जिनका नाम नरेश उत्तम पटेल जी है, हमारे सांसद हैं, वो आपके साथ हर दिन रात खड़े हैं। हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज्यादती फतेहपुर जनपद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही चलने वाले। 19 जून 2026 को सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में अमरार्जित टिप्पणी करते हुए एक नेताजी द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस संबंध में जब साइबर क्राइम सेल द्वारा गहराई से छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव में नवनिर्वाचित सांसद श्री नरेशोत्तम जी के का स्वागत कार्यक्रम थाना सुल्तानपुर घोष के अफोई कस्बे में चल रहा था, जहां पर पूर्व चेयरमैन श्री हाजी रजा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में अमरदीप टिप्पणी की गई। इस संबंध में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की तारीफ पर थाना सुल्तानपुर घोष पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी वीडियो की गहराई से छानबीन की जा रही है और सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है और सब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।